Assalamu alaikum, good afternoon. This is Faiz and you are watching Faiz in Japan TV. तो भाइयों आज का सीन कुछ ऐसा है कि मैं आपको जापान का चीपेस्ट अपार्टमेंट दिखाने वाला हूँ ना. इससे ज़्यादा मैंने चीप देखा ही नहीं है क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ पे रह रहा हूँ और इस अपार्टमेंट में भी मैं कुछ टाइम से रह रहा हूँ और अब तक की मेरे एक्सपीरियंस में मैंने इससे ज़्यादा सस्ता नहीं देखा ना. क्योंकि मैं जिस अपार्टमेंट में रह रहा हूँ इसका किराया जापान के हिसाब से ऐसा है जैसे कि फ्री, ठीक है ना. इसके अलावा मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखाऊंगा जापान की ना, जो आपको शॉक कर देगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी डेवलप कंट्री है, इतना हाई टेक कंट्री है, सुपर पावर है, मगर ये एक छोटी सी बात ऐसी क्यों है इस कंट्री में ना. तो वीडियो को शॉर्ट करता हूँ. सबसे पहले मैं बाहर का व्यू दिखाता हूँ. ये मेरे पीछे रिवर चल रहा है, सही है ना. और ये जो टावर दिख रहा है, ये बिल्डिंग नुमा बिल्डिंग भी बनी है. ये है जिम, ट्रेनिंग जिम, जिसके अंदर स्विमिंग पूल भी है और ये पर डे 500 येन है ना. और जिस अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे बिल्कुल ये रहा पीछे है, ये ना. ये अपार्टमेंट हमेशा जापान में जो है वो दो फ्लोर के होते हैं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर. और जापान में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर कहा जाता है और फर्स्ट फ्लोर को यहाँ पे सेकंड फ्लोर कहा जाता है ना. पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो बिल्कुल अपोजिट है यहाँ पे. तो ग्राउंड प्लस वन यहाँ पे लिमिट है अपार्टमेंट की, सिर्फ ये. इससे ज़्यादा लंबे जो होते हैं वो मेंशन हो जाते हैं ना. अपार्टमेंट थोड़े से सेंसिटिव बने होते हैं, नाजुक से बने होते हैं, तो यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से इन्होंने इतने ज़्यादा वो बनाए नहीं होते ना. अब जिस अपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उसका जो रेंट है पर मंथ जापान के 20,000 येन. 20,000 येन ऐसे हैं कि जापान की सैलरी के हिसाब से जैसे कि बिल्कुल फ्री और प्लस फ्री पार्किंग. जो मेरी पीछे ब्लैक कलर की कार खड़ी है ये पार्किंग है, ये मेरी पार्किंग है और ये बिल्कुल फ्री है. मैं सिर्फ रेंट पे कर रहा हूँ यहाँ पे ना. अच्छा, ये गार्बेज बॉक्स है मेरे पीछे बिल्कुल, और 24 आवर्स ओपन, एनी टाइम यू कैन थ्रो देयर. तो शुरुआत करता हूँ, मैं अंदर से भी अपना अपार्टमेंट दिखाता हूँ. थोड़ा गंदा होगा पर चल जाएगा. मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ वो इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि जो लोग जापान में आना चाहते हैं और जो लोग रहना चाहते हैं, और काफ़ी सारे लोग सवाल करते हैं मुझसे कि भाई वहाँ पे अपार्टमेंट कैसे होते हैं और कितने तक के मिल जाते हैं ना, तो ये उनके लिए वीडियो है कि वो ये वीडियो देखें. और जो इंटरेस्टेड हैं जापान में आने के लिए वो उन लोगों को शेयर करें और उनको बताएँ कि इतने सस्ते भी अपार्टमेंट मिल जाते हैं. ये बिल्कुल बेहतरीन सिटी है, टोक्यो सिटी से थोड़ी सी दूर है और कोई ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल विलेज है. बेहतरीन सिटी, यहाँ पे हर चीज़ है. 5 मिनट की ड्राइव पे यहाँ पे स्टेशन है, बस स्टॉप है, सही है ना. और सुपर स्टोर हैं, ग्रोसरी स्टोर हैं, शॉपिंग सेंटर हैं, हर चीज़ है यहाँ पे ना. तो मैं जो चीज़ बताने जा रहा था जो बहुत इंटरेस्टिंग है और थोड़ी सी स्ट्रेंज है ना, मतलब कि ऐसा क्यों जापान में, वो ये है. चलो मैं बात उसी से शुरू करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अंदर से अपना अपार्ट दिखाता हूँ ना. थोड़ा गंदा होगा पर चल जाएगा ना. अच्छा, ये जो है जो अदर साइड व्यू है ना, उस वक्त जो था मैं बराबर वाली साइड पे था, अब मैं इस साइड पे हूँ. ये अपार्टमेंट भी सेम है, जिस अपार्टमेंट का नाम जो है J5 और इस अपार्टमेंट का नाम है J7. सही है, ये है ग्राउंड फ्लोर, मतलब कि यहाँ का फर्स्ट फ्लोर. और रूम कुछ ऐसे बने हैं बिल्कुल 1D के है ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. ये मेलबॉक्स आ गया आपके, साइकिल आ गई. और अब मैं जो हूँ रहता जो हूँ वो सेकंड फ्लोर पे रहता हूँ. थोड़ा सा गंदा अपार्टमेंट, बेहतरीन किस्म का गंदा अपार्टमेंट है ना, मगर मैंने इसको जो है वो डेकोरेट अपने हिसाब से किया हुआ है कि मैं रह सकूँ और मेरे लिए फिर भी कंफर्टेबल है, ऐसा कोई मसला नहीं है. अच्छा, वो जो चीज़ मैं दिखाने जा रहा था वो लास्ट में दिखाऊँगा, उससे पहले मैं थोड़ा सा अंदर से दिखाता हूँ. ठीक है भाई, ये है शुरुआत जहाँ पर मैं खड़ा हूँ. और वो जो सामने कर्टन दिख रहा है वो है एंड. बस यहाँ से मैं अंदर आया, यहाँ मैंने शूज़ उतारे. अच्छा, अंदर इन होते ही बाथ एंड कमोड कंबाइन है, ये कुछ इस तरह का है. शावर भी यहीं है और टॉयलेट भी यहीं है, ठीक है. अब जो है इसके बिल्कुल बराबर में जो है वो किचन आ गया, जो कि भी बहुत छोटा है पर मेरे हिसाब से सही है. 2 प्लेटें 2 चम्मच बस गुजारा हो जाता है. एक एक्स्ट्रा रखी हुई है, हर चीज़ 2-2 रखी हुई है, सही है. इसके अदर साइड पे जो है यहाँ से देखूँ तो
यहाँ पे राइस कुकर रखा हुआ है, कुछ बॉईल करना हो या राइस बनाने हो तो उसके हिसाब से यहाँ पे राइस हो जाता है। और फिर उसके बाद जो है ये माइक्रोवेव हो गया, फिर जो है ये फ्रिज आ गया मेरा, ठीक है ना। और ये बॉक्सेस आ गया क्योंकि यहाँ पे अलमारी नहीं है, सबसे बड़ा मसला ये है, तो इन बॉक्सेस में मेरे को गुजारा करना पड़ता है। यहाँ पे हैंग कर लेता हूँ मैं अपनी शर्ट्स वगैरह, मगर मैं अभी शिफ्टिंग कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे क्लोथ्स अभी यहाँ पे है नहीं। ये कारपेट मैंने खुद ही बिछाया है यहाँ पे, ठीक है ना। और कभी मूड होता है तो थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह भी घर के अंदर कर लेता हूँ। एक सोफ़ा रखा हुआ है, एक टेबल है, स्टडी टेबल है, और एक मेरा बेड है यहाँ पे, लैपटॉप हो गया, और ये कैब की दुकान है। ऑर्डर बहुत कम है, अगर किसी का ऑर्डर करना हो तो वो कर सकता है। सही है ना। यहाँ पे वर्ल्ड मैप है कि नेक्स्ट वर्क कहाँ पे होगा मेरा, और उसके बराबर में कभी कभी मॉडलिंग का कीड़ा भी काट ही जाता है ना, अपने आप को देख के ज़बरदस्ती खुश हो जाना। खैर ये जो है पोस्टर, ये मुझे गिफ्ट मिला था, इसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पीएस्ट बर्थडे टू द सेक्सटीएस्ट एंड द मोस्ट हैंडसम मैन। बहुत बड़ा जोक है। अच्छा वो स्केटबोर्ड हो गई मेरी, और ये मेरा बेड हो गया, और ब्लैक कलर मुझे पसंद है, तो कार्टन भी ब्लैक है, बेडशीट भी ब्लैक है, और ब्लैंकेट भी ब्लैक है ना। ये मैंने खुद सारा डेकोरेट किया है। ये जो पेपर लगा हुआ है वॉल पे, ये भी यहाँ पे लगा हुआ नहीं था, ये इस तरह का था जो ऊपर से वाइट कलर दिख रहा है यहाँ तक, ये मैंने खुद ही ऐसा डेकोरेट किया है ना अपनी खुशी के लिए। अच्छा यहाँ पे जो हो गया वो LCD रख दिया, एक नीचे टेबल रख दी। ये स्टीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब सर्दियाँ होती हैं विंटर में तो थोड़ा सा वेट रहे ना। अच्छा ये आ गई बैल्कनी, ब्लैक पेपर मैंने इसलिए लगाया था कि कभी मैं दिन में सो रहा होता हूँ डिस्टर्ब ना हो। और ये है बाहर का व्यू मेरी बैल्कनी में, जो है यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है ताकि सोते वक्त अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं डिस्टर्ब ना हूँ, विंडो बंद करके मैं आराम से सो सकूँ ना, शोर भी ना हो। सही है। यहाँ पे आउटर रखा हुआ है, और ये है व्यू कुछ इस तरह का, बिल्कुल दो मिनट की वॉक पे ये सामने जो नज़र आ रहा है ये है जिम। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, और पर डे आपको जिस दिन जाना है उसी दिन पे करो, और बाकी ज़रूरत नहीं है आपको पे करने की ना। यहाँ से ऊपर से एक कार पार्किंग यहाँ पर दिख रही है, सही है। व्यू बिल्कुल बेहतरीन है, किसी चीज़ का मसला नहीं है, सही है ना। रहने के हिसाब से बेहतरीन है, नॉट इवन वन पर्सन है, मे बी कपल और वन फैमिली विद किड्स कैन लिव ईजिली हियर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सही है ना। ये तो हो गया व्यू इनसाइड का। अब जो मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ कि बहुत अजीब सी चीज़ है एक जापान में, वो ये है कि अगर आप जापान में देखने के लिए जाएँ तो यहाँ पर कभी भी आपको नंबर 4 नहीं मिलेगा ना, चाहे वो नंबर फर्स्ट फ्लोर का हो, सेकंड फ्लोर का हो, या थर्ड फ्लोर का हो। अब ये मैं आ गया हूँ शुरुआत में 271, रूम नंबर 271, ये मेरा नंबर आ गया 272, सही है ना। नेक्स्ट कमरा जो है 273, ठीक है ना। अब मैं यहाँ से आगे आ रहा हूँ 275, तो 274 यहाँ पे नहीं है। अच्छा इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाले फ्लोर पे जाता हूँ तो वहाँ पे इस तरह से स्टार्ट होगा, मेरे ख्याल से याद तो नहीं है, 171, 172, 173। तो ये बड़ी अजीब सा इन लोगों का एक वो है बिलीव कि 4 नंबर जो है वो बैड लक है ना, तो ये 4 नंबर को इस्तेमाल नहीं करते। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये थी बताने वाली बात ना। मैं यहाँ से दिखाता हूँ 171, 172, 173 एंड देन 175। तो ये था मेरा बताने का मकसद कि यहाँ पे इस तरह का बिलीव है, जैपनीज बिलीव कुछ इस तरह का है कि ये लोग समझते हैं कि 4 नंबर जो है वो फॉर बैड लक, तो ये उसका इस्तेमाल कहीं पे भी नहीं करता, चाहे कि वो मेंशन हो, चाहे कि वो अपार्टमेंट हो, चाहे कि वो हाउस हो। तो ये थी वो चीज़। अब इसके बारे में आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं कि ऐसी इसकी क्या वजह है, मुझे तो नहीं पता। तो ये था मेरा अपार्टमेंट का व्यू जो कि मैंने आपको दिखाया। अगर कोई यहाँ रहना चाहे तो इतना सस्ता भी उसको अपार्टमेंट मिल सकता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।